मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं दुर्गेश शाही, मुख्यमंत्री अभ्युदय पोर्टल योजना पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अपनी पॉलिटी की क्लास को आज हम आगे बढ़ाए। तो पॉलिटी की आज की जिस क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं वह भारतीय संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चीफ मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की चर्चा हम करेंगे। देखिए, पिछले चैप्टर में मैंने राज्यपाल पर चर्चा की थी और बताया था कि राज्यपाल का क्या रोल होता है, राज्यपाल क्या की क्या भूमिका होती है, कैसे राज्य विधानमंडल का वह अंग होता है, ठीक, कैसे वह राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो भारत की जो संविधान द्वारा जो सरकार की एक संसदीय व्यवस्था को बनाया गया है, ठीक, जो संविधान ने एक भारत की संसदीय व्यवस्था का निर्माण किया है, उस संसदीय व्यवस्था में एक्चुअली राज्यपाल जो होता है वह राज्य के संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभाता है। यानी कि जो राज्यपाल होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक, मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है उसी प्रकार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, जो हमारी संघीय व्यवस्था है, वह कुछ है ही ऐसी, उसका फॉर्मेशन ही कुछ ऐसा है, ठीक, जिस प्रकार से वह गठित की गई है। क्योंकि अगर आप केंद्र सरकार देखेंगे तो केंद्र में देश का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, केंद्र की जो कार्यपालिका है उनके प्रमुख राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद यह राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए है, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां उनमें नहीं है। सेम मैंने ऐसे आपको राज्यपाल ने बताया था कि राज्यपाल जो होते हैं वो संघीय व्यवस्था में राज्य के संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन जिस प्रकार केंद्र में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राज्य में संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, ठीक उसी प्रकार केंद्र में जैसे वास्तविक प्रमुख यानी वास्तविक शासक जो प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद होती है, उसी प्रकार राज्यों में वास्तविक शासक जो होता है सरकार का वह होता है मुख्यमंत्री, जिसको आप चीफ मिनिस्टर भी बोलते हैं। ये वास्तविक शासक होता है। देखिए, इतना जो है डिफरेंस हमको क्लियर करके चलना है, ठीक, ये हमारे दिमाग में हमारे मन मस्तिष्क में ये फिगर होना चाहिए। तो आज हम जिस खंड पे चर्चा करने वाले हैं, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बचपन से जब हम लोग छोटे थे तो स्कूल में एक ऐसे आता था, आप सब में भी आया होगा, हमारे में भी आया, कि व्हेन आई बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर, जब आप प्रधानमंत्री होंगे, यानी जब मैं प्रधानमंत्री होगा तो क्या, क्वेश्चन आता था कि जब आप प्रधानमंत्री होंगे ऐसे में तो क्या करेंगे। भारत में जो राजनीतिक परिदृश्य की जब आप बात करते हैं तो दो सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं, अगर कोई व्यक्ति केंद्र में होता है, ठीक, तो उसका प्रधानमंत्री बनने का सपना होता है, और यदि राज्य की बात करें तो उसका मुख्यमंत्री बनने का सपना होता है। तो आज हम अपने जो बचपन में जो हमारे एक एसए का टॉपिक होता था कि जब आप राज्य के मुख्यमंत्री बने या जब राज्य के प्रधानमंत्री, तो एसए के एक खंड यानी प्रधानमंत्री को तो हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि भाई राज्य में जो मुख्यमंत्री होता है वो कैसा होता है, उसके पद की क्या गरिमा होती है, कैसा उसका फॉर्मेशन होता है, कैसे उसका गठन होता है, कैसे उसको नियुक्त किया जाता है, क्या उसके कार्य होते हैं, आज अपने बचपन के उसी जो एक एसए की पंक्तियां थी उनको आज हम विस्तारित रूप देंगे अपनी आज की इस क्लास में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल जो होते हैं वह संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि मुख्यमंत्री जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं, ठीक। अर्थात अगर और सरल भाषा में बोले तो राज्यपाल अगर राज्य के मुखिया होते हैं, राज्यपाल अगर राज्य के मुखिया होते हैं तो जो मुख्यमंत्री होता है वे सरकार का राज्य के मुखिया, चूंकि कार्यपालक शक्तियां तो उन्हीं में निहित होती हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री होता है वह है सरकार का वास्तविक शासक होता है, सरकार का जो है
एक प्रकार से अगर सरल शब्दों में बोले हैं तो वह सरकार का कर्ता धर्ता होता है। ठीक, सब कुछ सरकार की, जो पूरी सरकार की व्यवस्था चलती है वो उसी के अनुरूप चलती है। संविधान के अनुच्छेद 163 आर्टिकल 163 और 164 के जवाब बनाएंगे तब आप मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को समझ सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा आर्टिकल, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। तो देखिए आर्टिकल 163 में मंत्रिपरिषद का जिक्र किया गया है। ठीक, आर्टिकल 163 में बोला गया है कि राज्य अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। बोला गया है कि भाई आर्टिकल 163 के अनुसार उन बातों को छोड़कर, उन पॉइंट्स को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपनी विवेकी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, फिर से सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 163 में आर्टिकल 163 में मुख्यमंत्री का उपबंध किया गया, मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। ठीक, मंत्रिपरिषद राज्यपाल को विवेकी शक्तियों को छोड़कर, यानी कि जो उसके डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, उनके अलावा कोई भी कार्य जब राज्यपाल करेंगे तो वह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेंगे। ठीक, सेम जैसे हम लोग ने पढ़ा था प्रधानमंत्री कि राष्ट्रपति समस्त अपनी विवेकी शक्तियों को छोड़कर जो भी कार्य करेंगे वह मंत्रिपरिषद की सलाह करेंगे। तो आर्टिकल 163 में जो है वो मंत्रिपरिषद का जिक्र किया गया है कि मंत्रिपरिषद का मुख्य दायित्व जो है, राज्यपाल जो है सब कुछ मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे और इस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वह मुख्यमंत्री होगा, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चीफ होगा वो कौन होगा, चीफ मिनिस्टर। आर्टिकल 164(1) में, आर्टिकल 164(1) में मुख्यमंत्री के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 164(1) में मुख्यमंत्री के, यानी कि चीफ मिनिस्टर के गठन की बात की गई है। ठीक, अब भाई 163 के अनुसार मंत्रिपरिषद होगी और 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री होगी। ठीक, और काम क्या है मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद का, सरकार का संचालन करना और राज्यपाल जो कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख और कार्यपालक यानी कार्यपालिका शक्ति की राज्य के जो मुखिया हैं, यानी सरल भाषा में जो राज्य के मुखिया हैं, वो सभी कार्य मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे। तो आइए समझते हैं कि ये जो मंत्रिपरिषद के प्रमुख मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, जो अमूमन भारतीय व्यवस्था है, ठीक है, उसमें दो शक्तिशाली पद, केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री जो है, उनको समझते हैं कि उस मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। जैसे मैंने आपको बताया 164 में बात की गई है, उसमें लिखा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा। ठीक, सरल भाषा अगर आपसे पूछा जाए तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। देखिए कंपैरेटिव स्टडी करिएगा, है ना, जो मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, कंपैरेटिव स्टडी किसी भी तैयारी की जान होती है। ठीक, अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करते, कंपेयर करते हो, पढ़ते तो दो चीजें होती है, एक तो आपकी समझ बढ़ती है, एग्जाम में जब आप आते हैं तो आपको क्वेश्चंस को देखने की समझ जाती है, चीजों को बहुत आसान हो जाता है समझना। ठीक, देखिए जब हम राज्यपाल को पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था कि प्रेसिडेंट से कंपेयर करते हुए चलिएगा, आज जब हम मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को पढ़ रहे हैं तो जो मैंने आपके जो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को पढ़ाया था तो उससे थोड़ा कंपेयर करते हुए चलिएगा। ठीक, चलिए, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, तो क्या भाई राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है क्या, राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा ऐसा नहीं। ठीक भाई, लिखा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, पर राज्यपाल ऐसे स्वतंत्र नहीं कि जिसको मन करेगा उसी को कर देगा। ठीक, ऐसी परिस्थिति भी आती है कि राज्यपाल जिनको चाहते हैं मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, वो क्या होती भी बताऊंगा, राज्यपाल में मैंने बताया था। सामान्य परिस्थितियों में भाई संसदीय व्यवस्था में क्या होता, जो सामान्य परिस्थितियां होती है, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें राज्य विधानसभा में, ठीक,
जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होगा उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री घोषित करेंगे यानी कि नियुक्त करेंगे यानी कि उनको शपथ दिलाएंगे। ठीक, फिर से सुन लीजिए, सामान्य परिस्थितियों में जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, राज्य विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा और उस दल ने जिसको अपना नेता चुना होगा उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री की शपथ राज्यपाल दिलाएंगे। ठीक, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की नियुक्ति या मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाएंगे। लेकिन मैंने आपसे बोला कि सामान्य परिस्थितियों में, तो भाई असामान्य परिस्थितियां क्या होती है, मानिए अच्छा सेम एज इट इज आप देखिएगा, सेंट्रल में भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे अर्थात उनको शपथ दिलवाएंगे। लेकिन क्या राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को कर सकते थे, वहां भी समझा था ना, वहां पे भी जिसको लोकसभा में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होगा उस दल ने जिसको अपना नेता चुना होगा उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते थे। सेम एज इट इज राज्यपाल भी राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते हैं। सेम, अब आगे आते भाई, ये तो वही सामान्य परिस्थितियों की बात। असामान्य परिस्थितियां क्या होती, असामान्य परिस्थितियां का तात्पर्य यहां ये है कि मानिए किसी दल को राज्य विधानसभा में बहुमत नहीं मिला, यानी किसी पार्टी को अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं उसमें मेजोरिटी नहीं मिली, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन से ही में हम लोग देखिए दो बार जो है वोटिंग करने जाते हैं लोकप्रिय उसके लिए, एक बार प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री देश के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं, तो जो लोकसभा का चुनाव होता है ठीक जिसमें आप सांसद महोदयों को वोट देने जाते हैं, तो जितने सांसद महोदय जिसके पास ज्यादा होंगे वही व्यक्ति या वही दल जो है सरकार बनाने के लिए उसको बहुमत प्राप्त होता है और उसी दल का प्रधानमंत्री चुना जाता है। उसी प्रकार जब राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं तो हम अपने क्षेत्र के अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक को चुनने के लिए वोट देते हैं, तो जिस भी पार्टी को आप अपना विधायक चुनते हैं ठीक जिनकी ज्यादा विधायक होते हैं उसकी सरकार बनती है तो आप उसको बहुमत प्राप्त होता है तो उसी बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक, तो भाई अगर मानिए किसी सामान्य परिस्थिति में किसी दल को बहुमत नहीं मिला, ठीक किसी भी दल को, चलिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंट जो पार्टीज है वो कौन सी है, देखिए दो यहां पर प्रोमिनेंट, तीन यहां पर प्रोमिनेंट नेशनल पार्टियां हैं, एक आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक आपकी भारतीय जनता पार्टी जो इस समय वर्तमान सरकार में है, एक आपकी बहुजन समाज पार्टी ठीक जो सुश्री बहन मायावती जी की पार्टी है ठीक जो उनकी प्रमुख है, और चौथी पार्टी जो यहां पर है वो नेशनल पार्टी तो नहीं है लेकिन राज्य स्तर की पार्टी और उत्तर प्रदेश की प्रमुख पार्टी है समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह जो है श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री और भारत के भूतपूर्व रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस पार्टी की नींव रखी थी। वर्तमान में जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री अखिलेश यादव जी वो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी, तो ये चार पार्टी हैं। मानिए राज्य विधानसभा के चुनाव हुए और किसी भी पार्टी को इन चारों में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ ठीक, तो अब ऐसी परिस्थिति में किसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए, तो यहां पर राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर्स बढ़ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल उस दल को जो है मुख्यमंत्री बनाने के लिए बनाएगा भाई जिसके पास सबसे ज्यादा सीट्स हो ठीक, जैसे समझते हैं उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश में कुल जो सीटें हैं विधानसभा की वो है 403 ठीक, तो 403 सीटों के लिए तकरीबन आप ये मान के चलिए 202 के आसपास जो है जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा 202 सीट्स जिसको आप सरल भाषा में सीट बोलते हैं, यानी जिसके पास और सरल भाषा में आपको बताओ सीट का मतलब
जिस पार्टी के पास 202 जो है विधायक होंगे, जिस पार्टी के 202 विधायक जीत के आए होंगे, सरकार उसी की बनेगी। ठीक, अब मानिए इस 202 के जादुई आंकड़े को इन चारों पार्टियों में, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी एसपी, इन चारों में कोई 202 के जादू आंकड़े को नहीं छुपाया बहुमत की, क्योंकि 202 मिल गया तब तो एक पार्टी को मेजोरिटी मिल गई, तब तो कोई बात ही नहीं है, सामान्य परिस्थिति हो गई, वो जिसको अपना नेता चुनेंगे राज्यपाल उनको मुख्यमंत्री नियुक्त कर देंगे। लेकिन राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर तब बढ़ती है जब किसी को बहुमत ना मिला, चारों पार्टियों में किसी को बहुमत ना मिले, यानी कि 202 का मैजिकल फिगर किसी को प्राप्त ना हो 403 में। अब आ गया मुद्दा कि अब राज्यपाल किसको जो है वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। तो अब मानिए जिसको भी इन चारों दलों में सबसे ज्यादा मैक्सिमम सीट मिली होगी, ठीक, उनको राज्यपाल आमंत्रित करेंगे, ठीक, उनको राज्यपाल आमंत्रित करेंगे। अमूमन साधारण यही होता है, ठीक, जिनको भी ज्यादा, मानिए कि किसी को ऐसा समझ लीजिए कि मानिए इलेक्शन हुए, भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल गई 190 के आसपास, समाजवादी पार्टी को मिल गई 150 के आसपास, ऐसे ही बसपा की, ऐसे ही कांग्रेस की अपसेट करती है, तो मेजोरिटी किसी के पास नहीं है। लेकिन जो राज्यपाल है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सर्वाधिक सीटें है ना, जितनी सीटें मिली, तो वो भारतीय जनता पार्टी को बोलेंगे कि भाई आप सरकार बना लीजिए, आप आइए सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, आपने जिसको अपना नेता चुना बता दीजिए, उनको मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता, शपथ दिला दी जाती है, और फिर राज्यपाल उनको समय दे देते कि भाई इतने दिन के भीतर आप अपना बहुमत सिद्ध कर दें, ठीक। लेकिन राज्यपाल किसी जो है अपने व्यक्तिगत फैसले द्वारा भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, भाई यहाँ पर तो जिसको ज्यादा उसको बुला लिया, भाई आप बहुमत सिद्ध कर दीजिए, अगर ये बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए तो राज्यपाल दूसरी जिसको समाजवादी पार्टी है सेकंड नंबर पे, उनको बोलेंगे कि आप सरकार बना लीजिए, आपको आमंत्रित कर रहे हैं, ठीक, तो अगर ये लोग बना के ले गए तो की सरकार बन जाएगी, ठीक, तो उसी प्रकार से करते हैं। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी भी आती है जब राज्यपाल किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत फैसले के द्वारा भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, समझिएगा बड़े ध्यान से, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे कैसे किन किन परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति तो मैंने आपको बता दी, फिर जब अगर त्रिशंकु विधानसभा बने, यानी कि हंग असेंबली, किसी भी पार्टी को अगर राज्य विधानसभा में बहुमत ना मिले तब क्या होगा, और यदि तीसरी कंडीशन मैंने बताई कि राज्यपाल अपने व्यक्तिगत यानी अपने पर्सनल डिसीजन के आधार पर भी किसी को चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री अपॉइंट कर सकते हैं, वो परिस्थिति क्या होगी। देखिए वो परिस्थिति क्या है, जब कभी मुख्यमंत्री की मानिए कार्यकाल चल रहा है और अपने पद पर आसीन रहते हुए मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए, आकस्मिक रूप से डेथ हो जाए, ठीक, ऐसी परिस्थिति, या फिर मतलब कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री का टेन्योर चल रहा है और कार्यकाल के बीच में ईश्वर न करे किसी मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है, अब ऐसी परिस्थिति में अगर उसका उत्तराधिकारी निश्चित नहीं है कि कौन बनेगा, तो राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले के आधार पर किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, ठीक। लेकिन बाद में तत्पश्चात जिस दल की सरकार चल रही है वो अगर अपने दल का नेता किसी और को चुन लेता है जिनको राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नियुक्त किया उसके इतर, तो फिर राज्यपाल को मजबूरी है कि फिर उसी को शपथ दिलानी पड़ेगी। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती तो राज्यपाल यहां पर अपने व्यक्तिगत फैसले के आधार पर किसी को भी जो है मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन फिर जैसे ही उस दल ने अपना नेता चुन लिया फिर राज्यपाल को उनको शपथ दिलानी पड़ जाती है, फिर राज्यपाल के पास कोई ऐसा विकल्प होता नहीं, ठीक। ये तो हो गई तीन कंडीशन मुख्यमंत्री को नियुक्त करने, ठीक, जो मैंने आपको समझाई, सामान्य परिस्थिति वाली, त्रिशंकु लोकसभा वाली, या अगर मुख्यमंत्री के कार्यकाल के विश्व मृत्यु हो जाए उसके प्रति, ठीक। राज्यपाल ऐसे भी किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जो कि विधानमंडल का सदस्य ही न हो, यानी कि विधानसभा के विधान मंडल के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य न हो, ठीक,
देखिए अमूमन जगहों पे जब मैं भी अगला चैप्टर स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अमूमन जगहों पर जो है भारत में जैसे वर्तमान में 28 राज्य हैं, है ना, तो 28 में आप ये मान के चलिए तकरीबन 22 राज्यों में एक ही सदन है विधानसभा, ठीक, छह ही जगह है यहाँ पर दो सदन है, तो वो कहाँ कहाँ पर है मैं आपको जब विधान परिषद अभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, चूंकि हम उत्तर प्रदेश पोर्टल पर है मुख्यमंत्री जी के, ठीक, तो यूपी पीसीएस की दृष्टि से हम समझते हैं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, यानी उत्तर प्रदेश में राज्य विधानमंडल के दो सदन है, एक विधान परिषद जिसको आप उच्च सदन यानी कि अपर हाउस बोलते हैं, एक विधानसभा जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोअर हाउस यानी कि लोकप्रिय सदन बोलते हैं, ठीक। जिस प्रकार संसद में लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है और वो लोकप्रिय सदन होता है, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में अमूमन जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्य विधान सभा के ही सदस्य होते हैं, यानी जो चुनकर आते हैं भाई, चूंकि जैसे प्रधानमंत्री जो अक्सर लोकसभा के होते हैं, ठीक, कभी कुछ लोग जो है छह प्रधानमंत्री जो है वो राज्यसभा के भी सदस्य रहे, उसी प्रकार 90% जो मुख्यमंत्री राज्यों के अपॉइंट होते हैं वो विधानसभा के सदस्य होते हैं, कभी कभी वो विधान परिषद के भी होते हैं सदस्य, है ना। लेकिन राज्यपाल के ऊपर है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य ना हो, यही चीज मैंने आपको प्रधानमंत्री भी बताई थी, है ना। लेकिन ऐसे व्यक्ति को 6 मंथ्स के अंदर दोनों में से, उत्तर प्रदेश के हिसाब से मैं बताया, यूपी के हिसाब से राज्य विधान परिषद या फिर राज्य विधानसभा दोनों में से, राज्य विधान परिषद या राज्य विधानसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य बनना पड़ेगा, किसी एक का सदस्य बनना पड़ेगा। तो यही चीज मुख्यमंत्री में भी है, यही चीज मंत्री में भी है। तो किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल, मंत्री या मुख्यमंत्री दोनों अपॉइंट कर सकते हैं, भले ही वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य ना हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा रहा है या मंत्री नियुक्त किया जा रहा है उसको 6 माह के भीतर दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जब मैंने आपको प्रधानमंत्री बताए थे तो मैंने बताया था कि जब मनमोहन सिंह जी जो थे उनको जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने नियुक्त किया यानी कि जब उनको शपथ दिलवाई तो वो संसद के दोनों सदनों में से किसी के सदस्य नहीं थे, ना राज्यसभा के ना लोकसभा के, है ना। मैंने आपको प्रधानमंत्री क्लास में डिटेल में बताया था कि कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि मनमोहन सिंह जी को आकस्मिक रूप से प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ दिलानी पड़ी, तो उस समय तो प्रधानमंत्री जी किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो राष्ट्रपति ने उनको दिलवाया और 6 माह के भीतर उन्होंने असम से जो है राज्यसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर राज्यसभा में आ गए। यही चीज राज्य विधानमंडल में भी होती है, राज्यपाल ने किसी भी ऐसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जो दोनों में से किसी सदन का सदस्य न हो। इस बार का ही देखते हैं, वर्तमान में जो निवृत्त हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, हम लोगों को पता है कि ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक जिला है, गोरखपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से ये चुनकर आते थे सांसद महोदय के रूप में, ठीक, तो ये पिछले 5 बार से लगातार गोरखपुर से जो है लोकसभा सांसद जो है लोकसभा के सदस्य के रूप में सांसद बनकर चुनकर आते थे और काफी भारी मतों से जीत कर आते थे, आज तक कभी कोई चुनाव हारे नहीं है, ठीक है। बहुत कम उम्र में ही, जो 25 वर्ष की उम्र होती है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, 25-26 साल की उम्र शायद इनकी थी जब ये पहली बार सदस्य चुने गए, तो 5 बार हुए। तो जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसी को अपना मुख्यमंत्री का फेस नियुक्त नहीं किया था कि भाई ये मुख्यमंत्री का फेस है, तो जब भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जनता ने अपना मत दिया, अब हुआ भाई किसको मुख्यमंत्री के लिए वो किया जाए, तो फिर काफी 2-3 नाम चर्चा में थे, तो जो नाम फाइनल हुआ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो नाम थे श्री योगी आदित्यनाथ जी। अब चीज वही आई, योगी आदित्यनाथ तो चूंकि लोकसभा के जो है सदस्य थे यानी सांसद महोदय थे, तो वो कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं,
तो फिर उनको लोकसभा से जो है अपने लोकसभा की जो उनका सदस्यता थी उसे त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक, इसीलिए फिर गोरखपुर में उपचुनाव हुए। ठीक, और समाजवादी पार्टी वहां पर जीत गई थी, है ना, आपको याद होगा वो क्लॉज बड़ा चर्चा में रहा था, क्योंकि गोरखपुर सीट योगी आदित्यनाथ जी तीन तीन ढाई ढाई तीन तीन चार चार लाख वोट से जीत कर आते थे। ठीक है, तो वो सीट जो है उसमें समाजवादी पार्टी के उपचुनाव में चली गई थी, तो बड़ा चर्चा पर चर्चा का विषय रही कि मुख्यमंत्री जी की अपनी जहां से वो रहकर आए, ठीक, वहां से, चूंकि गोरक्षनाथ पीठ के जो है ये महंत भी है, बड़ा चर्चा में था। वापस जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उस समय वर्तमान में गोरखपुर से रवि किशन जी सांसद, तो मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा की जो योगी आदित्यनाथ जी है उन्होंने लोकसभा की संस्था से त्यागपत्र दिया। अब चूंकि वो वहां से त्यागपत्र हुआ भाई तभी बन सकते हैं, और यहां तो दोनों में से किसी के सदस्य थे नहीं, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया, और तत्पश्चात छह माह के भीतर उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता जो है चुन लिए गए विधान परिषद के लिए, और योग्य तो यानी कि राज्यपाल किसी भी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जो संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य ना हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को छह माह के भीतर जो है संसद के किसी भी एक सदन की जो है सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए, शपथ मुख्यमंत्री को कौन दिलाते हैं वो मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, है ना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सीएम को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्यमंत्री को शपथ हमेशा राज्यपाल यानी कि गवर्नर दिलाते हैं, राज्यपाल यानी कि गवर्नर दिलाते हैं। ठीक, तो शपथ में तो जाना नहीं है, वही सारी चीजें होती कि भाई भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सत्य निष्ठा रखूंगा, प्रभु सत्ता और एकता अखंडता बनाए रखूंगा, ये सामान्य सी चीजें, उसको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम आते हैं कि भाई मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। देखिए, सामान्यता तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। ठीक, अमूमन सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन मुख्यमंत्री का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, है ना, क्योंकि संविधान में एक शब्द लिखा गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राज्यपाल की इच्छा होती है, ये लिखा गया है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि राज्यपाल की इच्छा पे, एक्चुअली ये बहुमत पर डिपेंड करता है। जब तक राज्य विधानसभा में उस दल को जिसके मुख्यमंत्री जिससे है उस दल को अगर बहुमत प्राप्त है तब तक वह रहेंगे, है ना। सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, अगर 5 साल तक बहुमत बना रहा तो मुख्यमंत्री 5 साल तक बहुमत रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर बीच में कभी उस दल का बहुमत राज्य विधानसभा में नहीं रहा तो फिर उनको मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा, राज्यपाल फिर उनको हटा सकते हैं, है ना। यानी कि अगर किसी समय राज्यपाल को ये लगा कि मुख्यमंत्री यानी कि इस दल के पास जो सरकार चला रही है बहुमत नहीं है, तो फिर वो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री को बहुमत प्राप्त है ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते। कब? अगर अनुच्छेद 356 ना लगा हो, अगर आर्टिकल 356 लगा तो बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री से भी सारी शक्तियां उनसे छीन ली जाती हैं और सारी शक्तियां राज्यपाल में आ जाती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में जब राज्यपाल की शक्तियां बता रहा था तो मैंने बताया था, परंतु सामान्य परिस्थितियों में अगर सदन में मुख्यमंत्री को बहुमत प्राप्त है तो फिर उसको बर्खास्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर दल में बहुमत नहीं है, सदन में बहुमत नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री जो है वह बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि भाई मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां क्या क्या हैं। ठीक, आई होप अभी तक आपको जितना मैंने मुख्यमंत्री की भूमिका को बताया है समझाया है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो अब देखते हैं कि भाई मुख्यमंत्री के शक्तियां क्या क्या हैं और मुख्यमंत्री के कार्य क्या क्या है, है ना, मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं मुख्यमंत्री के कार्य। ठीक,
मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य पावर्स एंड वर्क ऑफ सीएम, क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य हैं। ठीक, देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो उसके कार्य और उसकी शक्तियां ही है ना। जब ये समझेंगे तभी तो समझ में आएगा कि भाई मुख्यमंत्री क्या क्या कार्य कर सकते हैं, क्या क्या उनकी शक्तियां होती हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री की कार्य और शक्तियों को देखने के लिए हम इनको कुछ पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। ठीक, कि जैसे मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की क्या क्या शक्तियां हैं, मंत्रिपरिषद के संबंध में, है ना भाई। मंत्रिपरिषद से जब वह राबता करेगा, ठीक, तो कैसा होगा, उसके पास क्या क्या पावर्स है। जब वह राज्यपाल से राबता करेगा तब, यानी राज्यपाल के संबंध में उनके पास कौन सी शक्तियां, और जब वह राज्य विधानमंडल के संबंध में रहेगा, यानी कि सदन के दोनों, उसके राज्य विधानमंडल मतलब राज्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों की बात हो रही है, तो जब राज्य विधानमंडल के संबंध में उनकी, उसके पास कौन कौन सी शक्तियां। ठीक, तो सबसे पहला हम उठाते हैं नंबर वन मंत्रिपरिषद के संबंध में। तो देखते हैं भाई मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन कौन सी पावर्स हैं इनके पास, है ना। मंत्रिपरिषद के संबंध में भाई राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेंगे, मुख्यमंत्री की। राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे, है ना। अब मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल मंत्रियों को नियुक्त करेंगे। ठीक, सबसे पहला पावर तो यही है, जिसको सॉरी मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल मंत्रियों को नियुक्त करेंगे। मुख्यमंत्री जिसको बोलेंगे कि मेरी मंत्रिपरिषद में ये व्यक्ति मेरा मंत्री होगा, राज्यपाल उसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में, यानी कि मंत्री की शपथ दिलाएंगे। तो सबसे पहला पावर तो यही हो गया कि भाई मुख्यमंत्री जिसको भी, जिसका भी नाम जो है राज्यपाल के पास संदर्भित करेगा कि फला व्यक्ति को मंत्री की शपथ दिलाई है, राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री जो है सॉरी मंत्री की शपथ दिलाएंगे। अच्छा, उसी की इच्छा पर निर्भर करता है कि किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट होगा, कौन सा मंत्रालय अलॉट किया जाएगा। सेम प्राइम मिनिस्टर से कंपेयर करिएगा, प्राइम मिनिस्टर उसमें भी यही था सेंट्रल में कि प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। मंत्रियों को भी शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन मंत्रियों को शपथ प्रधानमंत्री की इच्छा पे दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री बताते हैं कि भाई ये फला फला व्यक्ति मंत्री बनेंगे मेरे इसमें, इनको इनको शपथ दिलाइए। राष्ट्रपति या अगर राज्य की बात करें तो राज्यपाल पे नहीं कि राज्यपाल कह रहे हैं हमको वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, चलिए उनको मंत्रिपरिषद की शपथ दिला दे, मंत्री बना दे, है ना। अरे ये व्यक्ति बहुत अच्छा, नाम बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या नाम है आपका, हमारा नाम है धनंजय, अरे आपका क्या सब ऐसा, अरे वाह मुझको भी अर्जुन बड़ा पसंद है, अर्जुन के दोनों नाम है ये, तो इनको दिला देते हैं ना। जो मुख्यमंत्री जिनके नाम रिकमेंड करेंगे उन्हीं को शपथ दिलाते हैं। ठीक, वो मंत्री ही डिसाइड करते हैं किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। ठीक, मंत्री के पास, यानी सॉरी मुख्यमंत्री ही डिसाइड करते हैं कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद के रूप में पावर है कि जब भी मुख्यमंत्री चाहेंगे तब उस समय में उस मंत्री के मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं। मानिए किसी को गृह मंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री का मन बदल गया कि ये व्यक्ति जो है गृह मंत्रालय के रूप में कार्य संभाल नहीं पा रहे, हटाओ इनको, इनको ऐसा करो वित्त मंत्री बना दो, ठीक, या हटाओ इनको किसी दूसरे विभाग का पशुपालन मंत्री बना दो, ठीक, या मानव संसाधन विकास मंत्री बना दो, तो कुछ भी हो सकता है। ये मुख्यमंत्री के शक्तियां हैं, वो जिसकी उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, जिसको जो मंत्रालय देना चाहे दे, जब फेरबदल करना चाहे फेरबदल कराए, जिस समय चाहे वो किसी भी मंत्री को अपने मंत्रिपरिषद से हटा सकता है। वो राज्यपाल को सिफारिश करेगा कि मैं इस मंत्री को जो है अपने मंत्रिमंडल से हटा रहा हूं, तो आप इनको बर्खास्त कर दिए, वो राज्यपाल को बर्खास्त करना पड़ता है। वो जब चाहे बीच में किसी भी मंत्री, किसी भी सदस्य को मंत्रिपरिषद यानी मंत्री की के लिए रिकमेंड कर सकता है, बीच में तो राज्यपाल उनको करेंगे, किसी को हटा सकता है, राज्यपाल से रिकमेंडेशन करेगा भाई इनको हटा दो, तो वो बोल देगा कि तुम त्यागपत्र दो, तो मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा, किसी को कह देगा कि भाई आओ शपथ लो, तो व्यक्ति शपथ लेगा। तो ये मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है, मुख्यमंत्री की शक्तियां। ठीक, इसी प्रकार
चूंकि वो शासन का सरकार का प्रमुख होता है तो वो मंत्रिपरिषद का भी अध्यक्ष होता है ना, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। जितनी मंत्रिपरिषद है वो मुख्यमंत्री की ही चारों ओर चक्कर काटती रहती है ना। अगर मंत्रिपरिषद जो है एक समझ लीजिए घेरा है तो मुख्यमंत्री उसकी धुरी है, सारे मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के आसपास ही जो है चक्कर काटते रहते हैं, ठीक, परिक्रमा करते रहते हैं। तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, मंत्रिपरिषद के फैसलों को प्रभावित कर सकता है क्योंकि उसकी इच्छा पे ही समानता जो है, बोला जाता है कि हर कार्य मंत्रिपरिषद की इच्छा पर होता है, परंतु समानता जो मुख्यमंत्री चाहते हैं सरल भाषा में कार्य वही होते हैं, है ना, क्योंकि वो शासन का प्रमुख होता है, सबसे लोकप्रिय व्यक्ति होता है भाई। वह अगर अपने कार्य से त्यागपत्र दे दे, ठीक, तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है ना। अगर मुख्यमंत्री ने बीच में मानिए किसी भी परिस्थिति में जो उनको लग रहा हो, अगर मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दिया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन मैंने अभी क्या बताया, अगर मंत्रिपरिषद में किसी मंत्री ने त्यागपत्र दिया तो मंत्रिपरिषद को फर्क नहीं पड़ता ना मुख्यमंत्री को, लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, उसी इच्छा जो है वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, और जब मुखिया ही जो नहीं है तो फिर खत्म। लेकिन अगर किसी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो फिर मंत्रिपरिषद को फर्क नहीं पड़ता, ठीक, तो फिर मंत्रिपरिषद को फर्क नहीं पड़ता। फिर समझ लीजिए, मुख्यमंत्री अगर त्यागपत्र देगा, चाहे उसके पास बहुमत ना हो इस परिस्थिति में, चाहे किसी और परिस्थिति का हो, तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद मुखिया है, मुख्यमंत्री मुखिया है, और अगर मुखिया ही नहीं है तो फिर मंत्री क्या करेंगे, ठीक। दूसरा, अगर कोई मंत्रिपरिषद का मंत्री त्यागपत्र दे देता है बीच में कार्यकाल के, तो मंत्रिपरिषद को कोई फर्क नहीं पड़ता, जाइए नए मंत्री आ जाएंगे, ठीक। ये तो हो गई उसकी मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद के संबंध में शक्तियां। आइए हम समझते हैं कि राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां, ठीक। राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां, देखिए ये तो मैंने बताया भाई कि जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्य के वास्तविक प्रमुख होते हैं, शासन के वास्तविक प्रमुख होते हैं, है ना। राज्यपाल सरकार का मुखिया होता है सरल भाषा में, और ये जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद है उनका मुखिया होता है। राज्यपाल कैसे कार्य करेंगे? राज्यपाल हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे। मैंने आपको बताया आर्टिकल 163, जो मुख्यमंत्री होता है जब आप राज्यपाल के साथ उसके संबंध देखेंगे तो यहां पर वह मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में संवाद का प्रमुख तंत्र है। यानी राज्यपाल जो है, गवर्नर साहब जो है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे, इन सबके बीच में संवाद का प्रमुख तंत्र है मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद जो भी फैसले लेती है उन सब से राज्यपाल को अवगत कराने का कार्य है मुख्यमंत्री का, है ना। मंत्रिपरिषद जो भी फैसले प्रशासनिक कार्यपालिका वाले विधायिका वाले जो भी निर्णय लेती उन सब फैसलों से मुख्यमंत्री राज्यपाल को अवगत कराते हैं, ठीक। यानी कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी हो, विधायिका संबंधी कार्य हो, सब की जानकारी मुख्यमंत्री राज्यपाल को जो है वो संसूचित करते हैं। और अगर सरल भाषा में आप समझिए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेती है, जो भी निर्णय लेती है, सब मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को जो है संदर्भित करते हैं या बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा, ठीक। इसके अलावा राज्यपाल अगर राज्य के प्रशासनिक कार्यों और विधायी कार्यों से संबंधित, राज्यपाल राज्य के प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स और लेजिस्लेटिव वर्क्स से संबंधित अगर कोई स्वयं जानकारी मांगे
तो मुख्यमंत्री को वो जानकारी राज्यपाल को देनी होगी। ठीक, पहले में क्या था, पहले में ये था कि मुख्यमंत्री स्वयं मंत्रिपरिषद के सारे निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराते हैं। दूसरे में क्या है, दूसरे में ये कि राज्यपाल को जब आवश्यकता हो कि भाई राज्य के कौन से प्रशासनिक कार्य हैं, कौन से विधायी कार्य हैं, तो उन सब की जानकारी मुख्यमंत्री को राज्यपाल को देनी होगी। इसके अलावा अगर किसी विषय को किसी मंत्री ने निश्चित कर लिया है, डिसाइड कर लिया, लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर डिसाइड नहीं किया, उस विषय पर विचार नहीं किया है, तो फिर राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री उनसे बोल सकते हैं कि भाई राज्यपाल से महोदय से कि भाई ये इस मंत्री ने डिस्कस किया, बाकी किसी ने नहीं, तो आप जो है उस मैटर को कहा करिए, सेंड करिए कंडक्ट किधर की ओर, आप जो है मंत्रिपरिषद के समक्ष रखिए, बिना मंत्रिपरिषद के विचार किए फिर वो चीज जो है फाइनलाइज्ड नहीं होगी। ठीक, तो ये जब मुख्यमंत्री राज्यपाल के संबंध में आते हैं तो ये उनकी पावर्स है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण अधिकारी जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, मैंने आपको बताया था, जैसे महाधिवक्ता है ना, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, ठीक, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है ना, और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, मैंने आपको बताया था ना कल राज्यपाल में तीनों चीजें, एक तो अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है ना, यूपीपीएससी जैसे माननीय राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड और मेंबर, अब चूंकि हम उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो भी अध्यक्ष और सदस्य होंगे उन सब की नियुक्ति, और राज्य निर्वाचन आयोग अर्थात स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। लेकिन ये जो भी अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति राज्यपाल करते हैं वो मुख्यमंत्री से परामर्श करके ही करते हैं, है ना, इसके लिए वे मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को परामर्श देता है कि भाई देखिए आप इस व्यक्ति को जो है आप ये नियुक्त करें, है ना। तो राज्यपाल भले ही इन ऑफिसर्स को नियुक्त करते हैं परंतु वह राज्यपाल इसमें मुख्यमंत्री की जो है परामर्श करते हैं, मुख्यमंत्री उनसे सलाह करते हैं और उन्हीं लोगों को इसमें अपॉइंट किया जाता है। ठीक, अब आते हैं तीसरे कि भाई राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेटर के लेजिस्लेचर के संदर्भ में मुख्यमंत्री की क्या क्या शक्तियां हैं। देखिए राज्य विधानमंडल के संदर्भ में उसकी सबसे प्रमुख शक्ति है वह ये है कि वह राज्यपाल को रिकमेंड करता है राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने के लिए। ठीक, जब मुख्यमंत्री कहते हैं सामान्यतः तभी जो है राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाते हैं। ठीक, कि भाई आप ऐसा है इसमें सत्र बुला लीजिए, तो राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा का सत्र बुलाते हैं और उन्हीं की सलाह पर वो सलाह दे सकता, इस तरह से मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को सलाह देता कि भाई अब इस समय सत्र बुलाइए, इस समय सत्र को जो है आप विघटित कर दीजिए, स्थगित कर दीजिए। ठीक, यानी कि सत्र को बुलाने के संबंध में और सत्र को स्थगित करने के संबंध में, दोनों संबंध में मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल को सलाह देते हैं। इसी के साथ साथ वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा का जो है विधानसभा को विघटित यानी कि डिसॉल्व करने की एडवाइस दे सकता है कि भाई इस समय आप जो विधानसभा है लेजिस्लेटिव असेंबली है इसको डिसॉल्व कर दीजिए। तो ये कुछ मुख्यमंत्री की पावर्स है, शक्तियां हैं। मंत्रिपरिषद के संबंध में मैंने आपको चर्चा की, राज्यपाल के संबंध में और राज विधानमंडल के संबंध में। इसके इतर भी मुख्यमंत्री की कुछ और शक्तियां, जैसे मुख्यमंत्री सदैव राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है सदैव, यानी स्टेट प्लानिंग जो बोर्ड है हमेशा उसका अध्यक्ष कौन होता, मुख्यमंत्री होता। बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो याद रखिए, जैसे मैंने आपको ये बताया, इस पर तो आप कभी देखिएगा बैक पेपर से बहुत बार क्वेश्चन आया
कि राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति हमेशा राज्यपाल करता है। लेकिन अगर क्वेश्चन टफ हो जाए कि किसकी सलाह से करता है, तो हमेशा मुख्यमंत्री की सलाह उसमें आवश्यक होती है। इसी प्रकार राज्य लोकसभा के अध्यक्ष और सदस्यों की अटॉर्नी जनरल की शक्ति, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, तो हमेशा मुख्यमंत्री होंगे। जैसे पहले केंद्र में आयोग था योजना आयोग, अब चूंकि वो नहीं है तो योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते थे, अब चूंकि योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा जो है वह प्रधानमंत्री होते हैं। इसी प्रकार राज्य योजना बोर्ड के यानी कि स्टेट प्लानिंग बोर्ड के हेड जो है ऑलवेज सीएम होते हैं, कभी भी जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा आप सरल भाषा में समझ लीजिए वही राज्य योजना बोर्ड का जो है अध्यक्ष होगा। इसके अलावा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है, ठीक, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है, ठीक, जिसको आप इंटर स्टेट काउंसिल बोलते हैं, ठीक, अंतर्राज्यीय परिषद और एनडीसी जो होती है राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दोनों का मुख्यमंत्री जो है सदस्य होता है। किसका? अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक, अंतर्राज्यीय परिषद जिसको आप इंटर स्टेट काउंसिल बोलते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का क्या होता है, एनडीसी का सदस्य होता है। एक्चुअली उसमें है क्या एनडीसी, सब आपको मैं अलग से जब लेक्चर लूंगा तो बताऊंगा, का सदस्य होता है। हमेशा इंटर स्टेट काउंसिल, ये समझ लीजिएगा यही सबसे क्वेश्चन बनते हैं और कहीं से नहीं, मैं बता रहा हूँ जितना लेक्चर में बता रहा हूँ अगर आप उतनी चीजों को बड़े ध्यान से नोट करके रिवाइज करके कंटेस्ट कर लेंगे इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ यही सबसे क्वेश्चन बनते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल और एनडीसी के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम हमेशा हेड होते हैं, और जो उसके मेंबर्स होते हैं वो हमेशा सीएम ऑफ स्टेट्स होते हैं, है ना, जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो सब इनके सदस्य होते हैं। तो पहली चीज मैंने आपको बताई राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल और एनडीसी का सदस्य होता है। इसी प्रकार एक क्षेत्रीय परिषदें होती है रीजनल काउंसिल, ये सारी चीजें ध्यान से नोट करिएगा आप लोग, ठीक, क्षेत्रीय परिषदें जिसको आप रीजनल काउंसिल बोलते हैं, ठीक, टोटल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड सेंट्रल, ठीक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड सेंट्रल, ठीक, मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, ठीक, ये क्षेत्रीय परिषदों के यानी कि रीजनल काउंसिल्स के, क्षेत्रीय परिषद रीजनल काउंसिल्स के सदस्य हमेशा राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो हेड कौन होता है इसका, ये याद रखिएगा, इसके हेड हमेशा अध्यक्ष भारत के गृह मंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी इस समय अगर मैं आपसे पूछूं कि रीजनल काउंसिल के हेड कौन है, तो श्री अमित शाह जी, और जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं ऑटोमेटिक इस क्षेत्रीय परिषद के सदस्य हो जाते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता तो होता ही है, क्योंकि सरकार का मुखिया वही है तो सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी वही होगा, ठीक। इसके साथ साथ वह राज्य का नेता होने के साथ साथ जनता से उसका एक आत्मीयता का संबंध जो होता है, और उन सभी की समस्याओं के लिए पूरी मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है, लेकिन मुख्यमंत्री से ज्यादा आशाएं होती है क्योंकि वो सबसे लोकप्रिय व्यक्ति होता है, ठीक। तो ये कुछ मुख्यमंत्री के विषय में जो है मैंने आपको जो सामान्य जानकारियां वह बताई कि क्या क्या उसकी शक्तियां हैं, क्या क्या मुख्यमंत्री के कार्य हैं, है ना। इसके अलावा मुख्यमंत्री की जो और चर्चा होती, कल मैंने आपसे चर्चा भी की थी, फिर बताता हूँ, एक होती है राज्यपाल के साथ संबंध में। अक्सर राज्यपाल के साथ संबंध में मैंने बताया कि क्या क्या चीजें होती है, लेकिन अक्सर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में एक क्लैश भी चलता रहता है ना, क्योंकि राज्यपाल के विषय में कल मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, है ना, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित है, वह राज्य का मुखिया है, लेकिन वह केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी है। तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते, कल मैंने आपको बताया था,
जब केंद्र में सरकार अलग होगी, राज्य में सरकारें अलग होंगी, तो एक क्लैश की, एक टकराहट की स्थिति मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में होने लग जाती है। अक्सर राज्यपाल अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, अक्सर राज्यपाल जो है अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए जब मुख्यमंत्री को किसी चीज के लिए आदेश देने लग जाते हैं, तब जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में टकराहट देखने को मिलती है। अक्सर समय समय पर जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बीच में राज्यों में टकराहट देखने को मिलती है, जब राज्यपाल किसी चीज पर ओवरलैप करके उनको आदेश देने लगते हैं। चूंकि राज्यपाल का भी कर्तव्य है कि संवैधानिक तंत्र जो है राज्य का बना रहे, चूंकि राज्य का मुखिया है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां उसी में, एग्जीक्यूटिव पावर्स। लेकिन कभी कभी चूंकि जो उसकी दूसरी भूमिका है राज्यपाल की, जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि की, जब राज्यपाल के ऊपर, राज्यपाल के संवैधानिक प्रमुख के इतर, वो जब केंद्र सरकार के प्रतिनिधि की भूमिका हावी होने लग जाती है, तब अक्सर मुख्यमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद में और राज्यपाल में टकराहट देखने को मिलती है। इसको संसदीय व्यवस्था में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है ना, क्योंकि भाई अगर राज्य के मुखिया और सरकार के वास्तविक शासक के बीच में टकराहट होगी तो राज्य कैसे सुगमता के साथ विकास कर सकेगा, इसको अच्छा नहीं माना जाता है ना। समय समय पर एक क्लैश चलता है, इसके लिए मैंने विशेष आपको बताया कि कई बार 1969, 1970, 1977 केंद्र सरकारों के इशारों पर राज्यपाल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 8-8 बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त किया है ना, 8-8 बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्रियों को एक साथ बर्खास्त किया गया। तो इन परिस्थितियों में कुछ एक टकराहट की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक, तो यहां पर जो है थोड़ा सा जो है एक क्लैश देखने को मिलता है। बाकी मैंने आपको राज्यपाल के संदर्भ में और डिटेल में बताया कि भाई दोनों के बीच में क्या क्या चीजें होती है ना। तो अब कुछ एक समान सी कुछ चीजें और हैं, उनको समझ लेते हैं, जो फैक्चुअल चीजें कि भाई भारत में सर्वाधिक, अब देखिए ये तो मैंने आपको कंसेप्चुअल के साथ साथ जो चीजें एग्जाम में आती बताई हैं, अब कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, ध्यान तो उन पर भी देना बड़ा आवश्यक है। जैसे भारत में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति के नाम, यानी किस सीएम के नाम है, वर्तमान में जो सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये चीजें नोट कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर बता रहा हूं आपको। तो सर्वाधिक समय तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं किसी प्रदेश के, वो है पवन कुमार चामलिन जी। ये बहुत ध्यान से आप चीजें नोट कर लीजिएगा, बहुत ये पक्का जो है निश्चित है, इससे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। पवन कुमार चामलिन सिक्किम के मुख्यमंत्री थे, लगातार 25 वर्ष तक जो है इसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे। तो अगर कभी प्रश्न आए कि सर्वाधिक समय तक कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, उनका नाम है पवन कुमार चामलिन, ये सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं 25 साल तक। तो याद रखिएगा कहाँ के थे, सिक्किम के थे और लगातार 25 साल तक रहे। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है ज्योति बसु जी के नाम था। ठीक, ज्योति बसु कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री थे, तकरीबन 20 साल तक जो है ये ज्योति बसु मुख्यमंत्री रहे। तो उसके बाद आपके बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये वेस्ट बंगाल के हैं, ये भी बहुत समय तक मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, तो जो दो सबसे बड़े नाम है, सबसे पहला नाम है पवन कुमार चामलिन। अगर आज सर्वाधिक समय तक कौन किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे तो पवन कुमार चामलिन, जो कि सिक्किम के हैं, वो सर्वाधिक समय तक जो है मुख्यमंत्री रहे। ठीक, और सेकेंड नंबर पर ज्योति बसु, एक समय तक ज्योति बसु नंबर वन पे थे 20 साल तक। ठीक, उनके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य वहां पर आए, वो भी काफी समय तक रहे, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक समय तक पवन कुमार चामलिन रहे। ठीक, अब तक कुल 3 लोग निर्दलीय मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। ठीक, अब तक कुल 3 लोग निर्दलीय मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो ये भी बहुत क्वेश्चन बनता है ना, भाई ऐसे ही मुख्यमंत्री बनना कोई आसान तो है
लेकिन अब तक कुल 3 लोग निर्दलीय मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। ठीक, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई, कौन 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 ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं भाई जो निर्दलीय होकर मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने आपको बताया ना कि कौन मुख्यमंत्री बनता है साधारण परिस्थिति में, जिस दल को विधानसभा में बहुमत मिले वही व्यक्ति तो मुख्यमंत्री बनेगा। तो एक निर्दलीय व्यक्ति जो किसी पार्टी के टिकट पे चुनाव नहीं लड़ा वो कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है भाई? उसके पास थोड़ी ना 202 विधायक है ना उत्तर प्रदेश में, अगर किसी को बनना हो तो कैसे बन जाएगा कोई भाई? वही व्यक्ति बनेगा ना जिसके लिए 202 लोग समर्थन करें। तो परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती है ना, इन्हीं परिस्थितियों में लगता है कि भाई भाग्य कोई चीज होती है ना। अब मानिए त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति बन गई, किसी पार्टी को बहुमति नहीं है, ठीक है, नेक टू नेक की राज्य विधानसभा में फाइट हुई। कब निर्दलीय मुख्यमंत्री से बन जाते हैं? नेक टू नेक की फाइट है, एकदम टकराहट की। मानिए जैसे उत्तर प्रदेश का संदर्भ लीजिए, 202 पे जिसके पास होगा उसकी सरकार बन जाएगी, और 190-192 के आसपास मानिए भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें, और 186-187 मान लीजिए समाजवादी पार्टी के पास है। इन दोनों पार्टियों में बहुत अच्छी फाइट हुई विधानसभा चुनाव में। अब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए 192 सीटें जैसे मानिए उनके पास है, और 190 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, तो 12 विधायकों का और समर्थन चाहिए भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए। और तकरीबन जो है आप ये समझ लीजिए कि 14 सीटों का आसपास, अगर 10 उनको पड़ी बीजेपी को 192 में, और 190 में समझ लीजिए 12 इनको पड़ी, 10 उनको 12 इनको, तो नेक टू नेक फाइट चली। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब क्या होगा कैसे? अब ये लोग कोशिश करते हैं कि भाई जो छोटे छोटे जो निर्दलीय हैं वो सब संगठित होकर हम लोग को समर्थन दे दे तो सरकार बन जाएगी। लेकिन मानिए कोई जो 7-8 निर्दलीय है ना, वो अड़ गए, वो लोग विधायक जो निर्दलीय अपने उससे जीत कर रहे कि हाँ ठीक है भाई हम समर्थन दे देंगे, लेकिन हम सिर्फ मंत्री परिषद संतुष्ट नहीं होंगे, हम लोग 10 लोग आपको समर्थन देंगे, 10 में जो 8 या 9 लोग हैं उनको मंत्रिपरिषद की शपथ दिलाई जाए और मुझको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, अब जो दल जितना अच्छा उनको ऑफर देगा वो स्वीकार कर लेंगे। तो ऐसे 3 लोग जो है निर्दलीय मुख्यमंत्री बन गए। अब आप सोचिए कि एक भाग्य जैसी कर परिकल्पना होती है, ठीक, वो परिस्थितियों में जमती है। जब आप ये देखेंगे तो लगेगा कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब देखिए इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए, वहां पर टीएमसी जीत कर आई, ठीक, और पश्चिम बंगाल में एक ही सदन है, वो क्या है, राज्य विधानसभा। और मजे की बात देखिए, तृणमूल कांग्रेस जीत गई चुनाव, लेकिन ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई नंदीग्राम से, समझ रहे हैं आप भाई? चूंकि सबसे लोकप्रिय व्यक्ति कौन थी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव जीत गई, उनके चेहरे पर विधायक जीत के आ गए काफी मात्रा में, लेकिन मुख्यमंत्री खुद अपनी सीट हार गई नंदीग्राम से। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जा सकती है, प्रधानमंत्री की भी, जो दोनों में से किसी सदन का सदस्य ना हो, यानी दोनों में से किसी हाउस का मेंबर ना हो, तो भी उसको शपथ दिलाई जा सकती है। तो मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी गई, अब वो 6 महीने के भीतर किसी की सीट खाली करा के विधानसभा में आ जाएंगे, ठीक। और यहां पर 3 निर्दलीय लोग बन गए, तो कौन है ये सौभाग्यशाली लोग, थोड़ा सा देखते हैं। इसमें पहले ऐसे व्यक्ति थे, उनका नाम था विश्वनाथ दास जी। क्या नाम था उनका? विश्वनाथ दास। 1970 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए, ठीक। विश्वनाथ दास जो है वो उड़ीसा के निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे, ठीक। दूसरा नाम जो है वो है डीडी लेपांग जी का। दूसरा नाम किसका है? डीडी लेपांग। ये भी भाई साहब निर्दलीय मुख्यमंत्री बन गए, कहां के? मेघालय के, ठीक। मेघालय के 1988 में ये बन गए मेघालय के निर्दलीय मुख्यमंत्री, ठीक। तीसरे व्यक्ति जो है इनका नाम है मधु पोड़ा। ये भाई साहब 2006 के आसपास झारखंड में
निर्दलीय मुख्यमंत्री है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन ऐसे तीन लोग हैं जो निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में, मतलब किसी पार्टी के नहीं थे और मुख्यमंत्री बने, तो तीन लोग पहले थे विश्वनाथ दास, फिर डीडी रपांग मेघालय और फिर मधु कोड़ा झारखंड, सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री, उनका नाम है पवन कुमार चामलिंग। ठीक, जो कि सिक्किम के रहे हैं 25 साल तक लगातार पवन कुमार चामलिंग जो है सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे और देश में सर्वाधिक समय तक रहने वाले। अब आता है कि आज तक वर्तमान में भारत में कितनी महिला मुख्यमंत्री आज तक हुई है, ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं। भारत में आज तक कितने राज्यों में महिला मुख्यमंत्री हुई है, ठीक, वुमेन चीफ मिनिस्टर कितने राज्यों में हुई है, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, महिला मुख्यमंत्री तो अब तक कुल 13 महिलाएं ऐसी हैं, 30 जो मुख्यमंत्री बन चुकी है। कितनी महिलाएं? कुल 13 महिलाएं जो है मुख्यमंत्री रह चुकी है। कौन कौन, फटाफट उनको देखते हैं। सबसे पहला नाम है राजेंद्र कौर भटकल, राजेंद्र कौर भटकल, ये पंजाब की रही है। कहां की सीएम रही है राजेंद्र कौर भटकल जी? पंजाब की, श्रीमती राजेंद्र कौर भटकल पंजाब। वसुंधरा राजे जी राजस्थान, वसुंधरा राजे। राजस्थान। तीसरा नाम आप हैं उमा भारती जी, ये मध्य प्रदेश की रही है। उमा भारती जी सब लोग परिचित हैं इनसे, भारतीय जनता पार्टी की ये भी एक एमपी थी, मंत्री रही है, ये मध्य प्रदेश की रही है। और सुचेता कृपलानी जी ये, और मायावती जी, ये दो लोग जो हैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। ठीक, तो 13 राज्य ऐसे रहे हैं, 13 स्टेट्स जहां पर महिला मुख्यमंत्री अपॉइंट हुई, 13 स्टेट्स। ठीक, 13 राज्य ऐसे रहे जहां पर महिला मुख्यमंत्री अपॉइंट हुई हैं। ठीक, तो सुचेता कृपलानी ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, वो बल्कि भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अच्छा, इस संदर्भ में एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको गवर्नर में भी लिखाया था, उत्तर प्रदेश को सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के पास पहली, देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू भी रही और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी भी रही। ठीक, तो सुचेता कृपलानी और मायावती दोनों उत्तर प्रदेश के हैं। इसके अलावा राबड़ी देवी जी बिहार, श्रीमती राबड़ी देवी बिहार में। ठीक, और सईदा अनवर तैमूर असम, सईदा अनवर तैमूर ये कहां रही है? सईदा अनवर तैमूर ये असम में रही। इसके अलावा उड़ीसा में नंदिनी शतपथी, नंदिनी शतपथी ये उड़ीसा में, उड़ीसा की मुख्यमंत्री ये रही है नंदिनी शतपथी जी। ठीक, गोवा में शशिकला काकोदकर, शशिकला काकोदकर ये गोवा की रही। जानकी रामचंद्रन और जयललिता जी ये दोनों रही हैं तमिलनाडु की। और दिल्ली में सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज जी अब दोनों लोग नहीं है इस दुनिया में, जयललिता जी भी नहीं है, शीला दीक्षित जी भी नहीं है, सुषमा स्वराज जी भी नहीं है। बड़ी ओजस्वी लीडर थी, बड़ी अच्छी लीडर थी दिल्ली की। तो ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 राज्य हो गए। ठीक, और मैंने आपको लिखा है 3 राज्य, तो 3 राज्य और कौन से हैं? तो जो 3 राज्य और हैं वो हैं जहां पर महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं,
एक तो वर्तमान में है, 11वां राज वो है, लिख लेते हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाते हैं, नाम से भी आ जाते हैं, स्टेट से भी आ जाते हैं, कहाँ कहाँ महिला मुख्यमंत्री है। तो 11वां नाम है श्री ममता बनर्जी जी का, जो कि आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा चर्चित नाम है, वेस्ट बंगाल। तो कितने हो गए, 11। इस समय जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, वे गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, आनंदीबेन पटेल जी। और 13वां नाम है महबूबा मुफ्ती जी। महबूबा मुफ्ती ये जम्मू कश्मीर की सीएम है। तो 13 राज्य आपके सामने हैं, 13 राज्य और तकरीबन 16 महिलाएं। ठीक, अगर आप महिलाएं को गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 देखिए, याद रखिएगा कि 13 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री रही है और 16 महिलाएं आज तक सीएम के पोस्ट पे अपॉइंट हो चुकी हैं। तो 13 राज्य ऐसे रहे हैं जहां पर महिला मुख्यमंत्री रही है और 16 महिलाओं को आज तक मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक, इसके अलावा कुछ ऐसे भी मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए उपचुनाव हार गए, जैसे एक मैंने नाम अभी आपको बताया, श्रीमती ममता बनर्जी जी, है ना, मुख्यमंत्री थी, चुनाव लड़ी, अपनी सीट से चुनाव हार गई। एक कैलाश नाथ काटजू जी थे मध्य प्रदेश में, ये चुनाव हार गए थे। त्रिलोकी नाथ सिंह थे, उत्तर प्रदेश में थे और उपचुनाव हार गए थे। शिबू सोरेन झारखंड में चुनाव हार गए थे। उमर अब्दुल्ला दो सीटों से चुनाव लड़े, वो हार गए। शीला दीक्षित चुनाव लड़ी, वो हार गई। ठीक, हेमंत सोरेन चुनाव लड़े, वो हार गए। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी चुनाव हार गए। ठीक, तो ये तो हुए मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की हमने विस्तार रूप से चर्चा की कि कैसे मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को अनुच्छेद 163 और 164 को जवाब मिला के पढ़ते हैं, समझ में आता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, है ना, किसको, जिस दल के बहुमत प्राप्त नेता को, और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल जो है मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं, नियुक्त करते हैं। ठीक, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राज्यपाल सारे कार्य करते हैं। राज्य की कार्यपालिका की सारी शक्तियां मंत्रिपरिषद की जो है वो राज्यपाल में निहित होती है। अब ये राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है कि वह शक्तियों का अपने प्रयोग स्वयं करे या अपने अधीनस्थों के द्वारा। तो वह मंत्रिपरिषद के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर वे सारे कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री उस मंत्रिपरिषद की धुरी होता है। मुख्यमंत्री के राज्यपाल के साथ संबंध क्या है, मंत्रिमंडल के साथ क्या है, विधानमंडल के साथ क्या है, मंत्रिपरिषद के साथ क्या है, कौन कौन क्या है, हमने मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को विस्तार रूप में दिया। कल यानी कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर पर, कि राज्य विधानमंडल क्या होता है, कितने सदन हैं, कितने अंग हैं, कौन कौन होते हैं, विधान परिषद क्या होती है, विधानसभा क्या होती है, कैसे दोनों का गठन होता है, बाकी सारी चीजों को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में मैं आशा करता हूं कि मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को आप आसानी से जो है समझ सके। ठीक, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। ठीक।